वेक्टर एनालिसिस में हम लोग अब स्टोक्स थ्योरम को देखते हैं। स्टेटमेंट उसका देखते हैं क्या है, इफ एफ फैक्टर इज एनी डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड एस इज अ सरफेस बाउंडेड बाय कर्व सी, देन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू एस कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। ये हमारी स्टेटमेंट हुई। वेयर एन कैप क्या हुआ, एन कैप जो है वो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन एस एंड इट इज डाउन इन द सेंस इन विच राइट हैंडेड स्क्रू वुड मूव व्हेन रोटेटेड इन द सेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सी। तो ये स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन को, जो कि अगर नॉर्मल मेथड से करें तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, अगर इस मेथड से करते हैं स्टोक्स थ्योरम का यूज करके तो काफ़ी इजीली हम उसे कर सकते हैं। इसे हम क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ फैक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई कैप माइनस टू एक्स वाई जे कैप टेकन अराउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाई द लाइंस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू बी। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन की मदद से हम इस स्टोक्स थ्योरम को हम समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ फैक्टर इज दिस टेकन अराउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाई द लाइन्स दिस। एक हमें रेक्टेंगल दिया रखा है, जो कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, x माइनस ए यहाँ होगा, x प्लस ए यहाँ पे होगा, तो रेक्टेंगल की दो साइड्स हमें मिल गई। y इज इक्वल टू जीरो एक साइड ये है और y इज इक्वल टू बी दूसरी साइड ये है। ये क्या है, y इज इक्वल टू बी, ये ओरिजिन हो गया। और इसमें सरफेस जो कवर हो रहा है वो कौन सा कवर हो रहा है, वो ये कवर हो रहा है। तो इसमें हमें स्टोक्स थ्योरम यूज करनी है। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ओवर कर्व सी कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर, ये होता है। इसे हमें वेरीफाई करना है, तो पहले हम आर एच एस लेट से हम ले लेते हैं, एल एच एस और आर एच एस को हमें बराबर कर देना है। तो ये क्या है, एस कर्ल ऑफ एफ वैक्टर यानी डेल क्रॉस एफ वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर।
हमारे पास एफ फैक्टर दिया हुआ है, तो डेल क्रॉस एफ फैक्टर हम निकाल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं कर्ल ऑफ एफ फैक्टर, वो क्या हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप डेवर बाई डेवर एक्स डेवर बाई डेवर वाई डेवर बाई डेवर जेड। और एफ फैक्टर में क्या है, ये वाला यहाँ से ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, और यहाँ क्या है जीरो। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये जीरो आ जाएगा इसको जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये भी जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो माइनस जे कैप। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये तो जीरो आ गया माइनस ये इसका इसके साथ, तो ये भी जीरो माइनस जीरो ये आ गया, प्लस के कैप इसका इसके साथ इसका इसके साथ, तो माइनस टू वाई आएगा, और इसको इसके साथ लिया तो माइनस का टू वाई ये आएगा, यानी कि माइनस का फोर वाई। तो हमें कर्ल ऑफ एफ फैक्टर मिल गया। अब हमें डी एस फैक्टर भी निकालना है, तब हम यहाँ पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो डी एस फैक्टर क्या होता है, डी एस वैक्टर कोई भी वैक्टर किससे मिलता है, उसके मॉडुलस और उसके डायरेक्शन से। तो डी एस वैक्टर क्या हो जाएगा, एन कैप इंटू डी एस, एन कैप क्या हो जाएगा, तो यहाँ एन कैप क्या होगा, ये आर है और इसकी डायरेक्शन, इन कर्व्स की डायरेक्शन, ये लेट से सी वन कर्व है, ये सी टू, ये सी थ्री, ये सी फोर। अब ये कर्व क्या बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम बाहर की ओर लेते हैं एन कैप, तो इस प्लेन का जो होगा डायरेक्शन क्या है, प्लस का के कैप, तो एन कैप की जगह यहाँ क्या रखेंगे, के कैप। और डी एस की वैल्यू क्या जानते हैं, डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन कैप के कैप, तो ये क्या बन जाएगा, एन कैप तो के कैप है, के कैप वन हो गया, तो खाली हमारे पास डी एस वैक्टर डी एक्स डी वाई आ गया इंटू के कैप, ये आएगा। अब इन दोनों की वैल्यू कर्ल ऑफ एफ फैक्टर और डी एस फैक्टर की वैल्यू हमें यहाँ पे रखना होगा, तो रखते हैं। आर एच एस हमारे पास क्या था, डेल क्रॉस एफ या कर्ल क्रॉस कर्ल वैक्टर डी एस वैक्टर। हम लोग कर्ल वैक्टर कर्ल ऑफ एफ फैक्टर निकाल चुके हैं, कर्ल ऑफ एफ फैक्टर जो आया था वो माइनस फोर वाई आया था, और डी एस वैक्टर क्या आया था, के कैप माइनस फोर वाई इंटू के कैप आया था, और डी एस फैक्टर क्या आया है, के कैप इंटू डी एक्स डी वाई। इसे सिंप्लीफाई कर लें, क्या होगा, माइनस का फोर वाई डी एक्स डी वाई। यहाँ पे एक्स और वाई की हमें लिमिट आर ओवर आर चढ़ानी होगी, तो एक्स की लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स की लिमिट माइनस ए से प्लस ए जा रही है, और वाई की एक स्ट्रिप अगर खींचते हैं तो वाई की वैल्यू जीरो से बी जाएगी, तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे रखनी होगी, एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए और वाई की वैल्यू जीरो से बी। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए, और यहाँ पे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू वाई स्क्वायर, लिमिट चढ़ा दें y की वैल्यू जीरो से b इंटू डी एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस टू
और ये आ जाएगा बी स्क्वायर, और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये एक्स और लिमिट क्या जाएगी माइनस ए से प्लस ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर प्लस ए माइनस ए, तो प्लस ए हो जाएगा वो, यानी कि माइनस फोर ए बी स्क्वायर। हमारे पास ये आरएचएस की वैल्यू आ गई, जिसे हमने किससे किया है ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके। अब हम इसे नॉर्मल मेथड से करते हैं विदाउट यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, तो एलएचएस के लिए लेना पड़ेगा। एलएचएस हमारा क्या था, एफ वेक्टर डॉट आर डी आर वैक्टर, जहाँ पे एफ वेक्टर क्या है ये, इन वैल्यूज को हमें यहाँ पे रखना होगा, एफ वेक्टर डॉट डी आर वैक्टर। एफ वेक्टर क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई कैप माइनस टू एक्स वाई इंटू जे कैप। डी आर वैक्टर क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये चीज होगा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो डी एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई इंटू डी वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल में हो तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक वेरिएबल में अभी तो नहीं है, तो उसे हमें एक वेरिएबल में इंटीग्रेट करना होगा। और ये कर्व जो क्लोज्ड कर्व है उस वो किससे मिलकर बना हुआ है, सी वन सी टू सी थ्री सी फोर। तो देखा कि यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम का यूज करके काफ़ी इजीली कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब हमें सी वन के लिए अलग से करना पड़ेगा, सी टू के लिए अलग से इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सी थ्री के लिए अलग से, और सी फोर की चार बार इस इंटीग्रल के हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। यानी कि पहले हमें इस कर्व के अलॉन्ग निकालना होगा, लेट सपोज ये पॉइंट अगर ए है या कुछ पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये रिक्टेंगल का पॉइंट आर एस है, तो जो सी वन है वो पी से क्यू, फिर क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, इस क्लोज कर्व में हमें चार बार इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले हम सी वन या पी क्यू जिसको बोल सकते हैं, इसके अलॉन्ग निकालते हैं, और जिसकी इक्वेशन हमारे पास पी क्यू की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन में ये क्या है, एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है एक्स इज इक्वल टू ए, तो डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है वाई इज इक्वल टू बी, तो डी वाई इज इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पे, ये क्या है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं, इसमें अगर देखो y की वैल्यू हम क्या रखते हैं, y की वैल्यू पहले p से q की वो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू जीरो है, तो ये वाला टर्म हट जाएगा, उसके बाद dy भी ये जीरो है तो ये हट जाएगा, खाली एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा, तो ये लिखा हम लोगों ने। फिर दूसरा पार्ट का हमें सी टू के अराउंड करना होगा, सी टू क्या है क्यू से आर की ओर, अब देखो क्यू से आर की ओर क्या है, Q से R जा रहे हैं, C2 है, X इज इक्वल टू ए पे डी एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, X इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा इस कर्व के अलॉन्ग, तो ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या रखना होगा, X की वैल्यू A रखना होगा, यानी कि माइनस टू ए वाई डी वाई आ जाएगा। प्लस अब तीसरे टर्म C3 के लिए करना होगा, C3 क्या है हमारा, R से S है, R से S C3 है, उसके लिए dy वाई जीरो है क्योंकि y इज इक्वल टू बी है, ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, R से S और y इज इक्वल टू बी है और dy वाई जीरो है, तो ये वाला टर्म तो ख़त्म हो जाएगा, ये वाला टर्म खाली बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस लास्ट इंटीग्रल जो C4 है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो एस से आर तक है, यानी कि
यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स माइनस है, तो डी एक्स क्या होगा, जीरो। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो डी एक्स क्या है यहाँ, ये जीरो, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये वाला बचेगा खाली। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, माइनस ए रखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का टू ए वाई डी वाई, ये आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस वाले में जो x की लिमिट जाएगी पहले कर्व में, अगर यहाँ पे देखते हैं, पहले कर्व में सी वन कर्व में x की लिमिट माइनस ए से प्लस ए, और दूसरे कर्व में जो y का है, तो इसमें y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, y की लिमिट जाएगी y इक्वल टू जीरो से y इक्वल टू बी तक जाएगी। फिर तीसरा कर्व आर एस है सी थ्री, उसमें x है, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, x की लिमिट जाएगी x इज इक्वल टू प्लस ए से x इज इक्वल टू माइनस ए तक। फिर चौथा कर्व सी फोर है s से p की ओर, उसमें है डी वाई, तो y की लिमिट यहाँ से कहाँ से कहाँ तक जाएगी, y इज इक्वल टू बी से y इज इक्वल टू जीरो। तो ये बात सारी लिमिट हम यहाँ पे रखते हैं। तो पहले में dx है, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, माइनस ए से प्लस ए। दूसरा कर्व c2 है, उसमें dy है, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, y इज इक्वल टू जीरो से b तक। dx है, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, x की लिमिट प्लस a से माइनस ए। फिर c4 यानी कि s से p की ओर, और यहाँ dy है, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, y की वैल्यू b से जीरो तक जाएगी। अब नॉर्मली इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट लगा दें, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो प्लस का ए क्यूब आ जाएगा, प्लस दूसरा वाला अगर लगाएं यहाँ इसी तरह, तो माइनस टू ए वाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और वाई स्क्वायर में लिमिट लगाते हैं जीरो से बी, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। प्लस तीसरा वाला अगर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट लगाएं, तो माइनस ए क्यूब होगा, यहाँ पे माइनस ए क्यूब होगा, और माइनस दूसरा फिर माइनस ए क्यूब हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स है, तो एक्स में क्या हो जाएगा, माइनस ए और तो यहाँ पे भी माइनस ए आ जाएगा। इसी तरीके चौथे वाले को करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, टू ए वाई स्क्वायर है, तो ए इंटू वाई स्क्वायर बाई टू, टू कट गया, तो वाई स्क्वायर बचा, यानी कि जीरो माइनस बी स्क्वायर, यानी माइनस बी स्क्वायर बचेगा खाली। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, टू ए क्यूब बाई थ्री माइनस ए बी स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री माइनस टू ए क्यूब माइनस टू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये आएगा। थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आएगा, ये माइनस ए बी स्क्वायर है, माइनस ए बी स्क्वायर ये है, और एक टर्म माइनस ए बी स्क्वायर का ये है, और एक ये जो दो टर्म ये वाले हैं, तो इनको एक साथ कर लेते हैं, तो टू ए क्यूब है और माइनस टू ए क्यूब है, तो ये तो हट जाएंगे, और उसके बाद खाली हमारे पास क्या बचेगा, माइनस टू ए बी स्क्वायर ये दोनों मिला के, और माइनस टू बाई थ्री ए बी स्क्वायर, इतना बचेगा ए बी स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो है ये माइनस, खाली ये ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा, और फिर इसे सॉल्व करते हैं, इसे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कट गया,
और ये वाला जो है इधर ब्रैकेट है, क्योंकि ये वाला जो है एक्स क्यूब बाई थ्री और ये वाला अलग से करेंगे बी स्क्वायर, तो फिर ये आएगा और इसका इधर होगा। इसे सिंपलीफाई करते हैं तो ये कट जाएगा ये दोनों, बाकी ये बचेगा माइनस ए बी स्क्वायर, और ये अलग से है माइनस टू ए बी स्क्वायर, और ये क्या है माइनस ए बी स्क्वायर। टोटल कितना आ गया माइनस फोर ए बी स्क्वायर, यही हमारा सॉल्यूशन है। बट हमने इसमें क्या किया है अलग अलग इंटीग्रल से, यानी कि कर्व सी वन सी टू सी थ्री सी फोर को अलग अलग से लिया है, पहले सी वन के अलॉन्ग किया है, सी टू के अलॉन्ग किया है, सी थ्री के अलॉन्ग, सी फोर के अलॉन्ग, तो हमें वैल्यू जो आती है वो माइनस फोर ए बी स्क्वायर आती है, और यहाँ पे भी एल एच एस में भी आर एच एस में भी हमारी माइनस फोर ए बी स्क्वायर आई है, जो कि हमने स्टोक्स थ्योरम का यूज करके किया था। तो ये देखा, ये काफ़ी ईजिली हम लोग कर सकते थे, और ये विदाउट यूजिंग स्टोक्स थ्योरम किया है, इससे भी आंसर सेम आया है। एक बार इसे समराइज करते हैं स्टोक्स थ्योरम को। तो उसमें पहले एक स्टेटमेंट रहती है, उसमें ये था कि एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर अगर सिंगल इंटीग्रल है, अगर इसे नॉर्मली करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, लेकिन अगर स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हैं तो डबल इंटीग्रल से कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, इससे जल्दी हो जाएगा। तो अब इसे क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस टू एक्स वाई जे कैप अराउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाई द लाइन्स दी। पहले डायग्राम इसका बनाया, पी क्यू आर एस, एक रेक्टेंगल बन गया जिसका एक एक्स एक्सिस होगी, एक यानी कि वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये लाइन हो गई, और एक्स वाई इज इक्वल टू बी, ये तो हमारा कर्व जो होगा बाउंड करेगा इस रीजियन को, ये आर। तो हमें इसे वेरीफाई करना है, यही स्टोक्स थ्योरम है। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या लिया, आर एच एस को ले लिया, यानी इस पार्ट को ले लिया राइट हैंड साइड को। तो कर्ल ऑफ एफ फैक्टर डॉट डी एस फैक्टर, अब कर्ल ऑफ एफ फैक्टर हमें निकालना है, एफ फैक्टर हमें दिया हुआ है ये, तो एफ कर्ल ऑफ एफ फैक्टर सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद डी एस फैक्टर। डी एस फैक्टर क्या होता है, एन कैप इंटू डी एस, यानी एन कैप इंटू डी एस क्या होगा, डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन कैप के कैप। एन कैप क्या होता है, उस जो प्लेन है यहाँ पे क्या प्लेन है, ये बाउंड करता है, तो इसमें ऊपर से अगर देखें तो उसमें जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है एन कैप, यहाँ पे क्या होगा के कैप, तो हमें डी एस वैक्टर की वैल्यू मिल गई। दोनों वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, अगर दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो हमें ये मिल जाता है। इसे थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, जहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस है और वाई की वैल्यू जीरो से बी होगी, उस एरिया को जो कवर करेगा वो ये लिमिट के थ्रू कवर हो जाएगा, तो हमें इसकी वैल्यू ये मिल जाती है माइनस फोर ए बी स्क्वायर। अब एल एच एस को सॉल्व करते हैं विदाउट यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, उसमें हमें चार कर्व मिलेंगे सी वन सी टू सी थ्री सी फोर, हर एक कर्व के अलॉन्ग अलग अलग हमें इंटीग्रल निकालना होगा, क्योंकि हर एक कर्व की इक्वेशन अलग अलग है। तो उसमें हमें वैल्यू रखी पहले और उसके बाद हमें इसे सिंपलीफाई करना होगा, तो सिंपलीफाई करके हमें ये वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई कर लिया।